तो दोस्तों राधे राधे, एक नए ब्लॉग में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आपको मैं यहीं पे बैठी हुई दिख रही हूँ, जैसे कि लास्ट वीडियो के एंड में मैंने छोड़ा था। तो जहाँ से हमने बात खत्म की थी, बात छोड़ी थी, बात अधूरी रह गई थी, वहीं से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो मैं उस टाइम पे बना रही थी लड्डू गोपाल जी के लिए एक ब्लैंकेट। वो रही ये ब्लैंकेट, रेड और येलो कलर के कॉम्बिनेशन में मैंने ये बनाई है। इसको एज ए बेडशीट भी यूज कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, और ऊपर उड़ाने के काम में भी आ सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट वूल है। तो ये तो वो था जहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो को एंड किया था। इस बीच में मैं चाय वगैरह बना करके अपने लिए भी लेके आई और मम्मी के लिए भी बना करके आई, लेकिन मम्मी वॉक पे गई हुई थी। तो अब यहाँ पे पहुंच जाते हैं। और जैसे कि अगर आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा, या हो सकता है ना भी पढ़ा हो लास्ट वीडियो का, तो मैंने बोला था कि जो भी मैं चेकलिस्ट बना रही हूँ, जैसे आज मैंने 10 कामों की है, 11 या 12 कामों की चेकलिस्ट बनाई, तो एंड ऑफ द डे वो सारे काम नहीं हो पा रहे। एक दो या तीन चीजें उसमें से रह जाती हैं। अब उसका नुकसान क्या होता है कि कल की जो चेकलिस्ट बनती है, तो पहले मुझे प्रीवियस वाले काम करने पड़ते हैं, तो पहले वाले काम करने के चक्कर में फिर दूसरे दिन के काम रह जाते हैं। तो कुछ तो प्लान में चेंज करना पड़ेगा। इसका सबसे पहला जो समाधान, जो सोल्यूशन है, वो ये मुझे लगता है कि एक दिन स्ट्रेच करके भले 2 बज जाए रात के, इन कामों को खत्म कर दिया जाए, ताकि दूसरे दिन सिर्फ दूसरे दिन के काम बचे हों। या मैं इसमें से कि पहले सिर्फ वो जरूरी काम जो बहुत जरूरी है करने ही है, चाहे वो 5, 6 या 7 काम हो, उनकी ही लिस्ट बनाऊं और प्रायोरिटी बेसिस पे पहले उनको करूं, और फिर जो भी समय रहता है उसके अकॉर्डिंग जो सेकंड प्रायोरिटी की लिस्ट अलग से बना दूं, तो वो बाद में करूं। ये 2 चीजें मेरे को ध्यान में आ रही है। पहले पहले वाली करके देखती हूँ, आज स्ट्रेच करके देखती हूँ कि ये सारे काम हो पाते कि नहीं। अगर ये वाला फंडा मेरा काम नहीं करेगा, तो फिर मैं दूसरा वाला प्लान बी पे काम करूंगी, लेकिन ये रूटीन में तो लाना पड़ेगा, ये मैंने ठान लिया है। चलिए, तो बहुत ज्यादा अभी बात नहीं करते हैं। अब मेरा जो समय हो चला है, वो हो चला है बुक रीडिंग का। तो अभी बज रहे हैं 5:34 हुए हैं शाम के। अब मैं पढ़ती हूँ 15 से 20 मिनट, किताब पढ़ती हूँ। ये मेरे दिनचर्या का, मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, और ये काम नहीं रह सकता, किसी भी हाल पे नहीं रह सकता। तो ये बुक पढ़ लेती हूँ मैं, और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। बता देती हूँ, आज का जो चैप्टर है, 10th चैप्टर पे मैं पहुंची हूँ इस बुक के, और आधी किताब मैं ये पढ़ चुकी हूँ। और आज के चैप्टर का नाम है अमीर होना आपका अधिकार है। और ये बात मुझे भी लगती है, हर किसी इंसान को उसके हक की चीज, उसके हक का पैसा, उसके हक का प्यार, रिस्पेक्ट, सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन कोई भी चीज ऐसे ही नहीं मिलती। उसके लिए लगाने पड़ते हैं एफर्ट्स। तो हम जरा एफर्ट्स लगाते हैं हमेशा की तरह। आज का भी अब मैं अपने जो कोट है मेरी मेरी जिंदगी में, जो मैंने लिख लिया है, अपने दिमाग में बिठा ली ये बात कि लर्निंग है तो अर्निंग है, तो उस पर लग जाती हूँ। सो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल हम पहाड़ी परिंदे। आज है 24, कल क्रिसमस है, तो हम तो क्या ही सेलिब्रेट करेंगे, पर करना चाहिए। सर्वधर्म संभाव की भावना सिखाता है हमारा सनातन धर्म हमको कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। और इसी थीम को फॉलो करते हुए ये जो 2 ड्रेस हैं लड्डू गोपाल जी की, ये मैं ज्योति के ऑफिस में लेके आ रही हूँ। एक इसमें क्रिसमस की थीम पे ही रेड एंड वाइट वाली है, उसकी किसी कुलीग के पास में है लड्डू गोपाल जी छोटे, तो उसको चाहिए थी ये 2 ड्रेसेस। और अभी 1 बजने वाले हैं दिन के, अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये वाला काम करके मेरे को 2 धागे लेने हैं रेड एंड ब्लैक कलर का, वो ले लेती हूँ, और वहीं से सीधे मैं जाऊँगी फिर अराइना को लेने के लिए उसके स्कूल में। और कल की चेकलिस्ट का क्या हाल है, मैंने कितने काम किए, वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी जब मैं ऑफिस चली जाऊंगी। लेकिन आज मैंने एक जो चीज़ चेंज की है वो ये की है कि कुछ कुछ काम मैंने अभी कर लिया है, यानी कि जो न्यू चैनल हमने क्रिएट किया था अपना श्री श्याम क्रिएशन के नाम से, लड्डू गोपाल जी की जो पोशाक है और भी जो सामान है उसको प्रमोट करने के लिए, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना दिया। अध्यात्म ज्ञान वाले चैनल के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना दिया। तो ये 2 काम जो थे वो मैं करके आ गई हूँ। अब पोस्ट जो है वो तो मैं करूँगी शाम को। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ ऑफिस में। वैसे तो 4 बजने वाले हैं, पर मैंने आज घर पे ही काफ़ी सारा काम किया,
इससे पहले कि मैं आपको बताऊं क्या क्या चीज़ें काम हो गए हैं, क्या अपडेट है, सारा कुछ, उससे पहले मैं आपको कल की चेकलिस्ट के बारे में बता देती हूँ। कल मेरे पास 12 काम थे, जिसमें से मेरे 3 काम नहीं हो पाए और मेरे 9 काम हुए। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखिए, कल की डेट है 23/12/2022 और ये मेरे पास कुल 12 कामों की लिस्ट थी और इसमें से मेरे इस तरीके से मैं टिक करती जाती हूँ, एक काम नहीं हुआ, दो काम नहीं हुआ और थर्ड काम। तो इस तरीके से मेरी ये कल की चेकलिस्ट थी। यानी अब यहाँ पे मुझे ऐसा करना पड़ेगा, 9 यानी कि मेरे 9 काम हुए 12 में से, यहाँ पे 8 काम हुए थे 13 में से। तो फिर परसों से अगर देखा जाए तो कल इम्प्रूवमेंट है, तो अच्छी कोशिश है। आज देखती हूँ, आज की चेकलिस्ट थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, एक बार देख लूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने लिखी हैं, कुछ लिखनी रह तो नहीं गई, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आज की जो चेकलिस्ट चेक करी है और एक दो चीज़ें उसमें और ऐड की हैं, तो मेरे पास टोटल 10 कामों की लिस्ट है। आज कम इसलिए है क्योंकि इसमें से एक दो काम ऐसे हैं जो कल तक के ही थे, वो मेरे ओवर हो चुके हैं। और जैसे कि ब्लॉग राइटिंग है या लड्डू राधा की जो ड्रेस बनाती हूँ मैं, वो मैं कल तक 2-3 दिन से बहुत बिजी थी तो एक एक बना रही थी, तो आज एक ऑलरेडी मैंने बना चुकी हूँ, दूसरी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है और बाकी के जो काम है मेरे पास 10 हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे अपडेट देती रहूँगी कि क्या क्या चीज़ें उसमें से हो चुकी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ड्रेस दिखा देती हूँ। जो कंप्लीट हो गई है वो तो घर पे है, मैं लेकर के नहीं आई, जो कंप्लीट होने वाली है वो वाली मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। उसके बाद एक और भी मुझे बनानी है, या तो मैं अभी बनाऊंगी या वो रात को बनाऊंगी, पर जो एक थोड़ी सी बच गई है इसको तो मैं कंप्लीट कर लूंगी अभी। तो दोस्तों, ये वाली ड्रेस है जो मेरी कंप्लीट होने वाली है, इसका घेरा बन गया है और एक किनारा बना रही हूँ मैं इसमें, और ब्लैक कलर का धागा और रेड कलर का धागा मैं आगे लेकर के आई मार्केट से, जब मैं बुडेला जा रही थी तो मैंने आपसे बात भी की थी, ब्लॉगिंग की थी, उस टाइम पे मैं धागा भी लेके आई। तो आज का दिन मैं अभी तक का काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर चुकी हूँ और उम्मीद है कि आगे भी यूज़ करूँगी, पूरा फुल निचोड़ लूँगी पूरे दिन को। तो इस ड्रेस को मैं कम्प्लीट करके आप लोगों को ज़रूर दिखा दूँगी। और उसके बाद आज सबसे पहले मैं GST फाइल करूंगी, लैपटॉप ओपन हो जाएगा तो, क्योंकि 2 दिन से पोस्टपोन किए जा रही हूँ और उसके चार्जेस लग जाएंगे अदरवाइज़। तो ये कंप्लीट करने के बाद और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों, मेरे साथ ना एक ट्रेजिडी हो गया, मेरा लैपटॉप ही ख़राब हो गया। ये हो जाता है, इसकी उम्र हो चुकी है, किसी भी दिन मेरा साथ छोड़ सकता है। एक बार लास्ट टाइम भी इसकी पूरी स्क्रीन गायब हो गई थी, उसके बाद मैं 800 रुपये समथिंग तो इसको ठीक कराने के लगे और ऊपर से जो डेटा रिकवरी की वो अलग से पैसे लगे। आज भी मुझे लगा कि ऐसा ही हो गया, टचवुड, आधे घंटे की मशक्क़त के बाद ये ऑन हुआ और मैंने फाइनली GST फाइल कर दी, पेमेंट कर दी और आपको भी दिखाती हूँ। ये नहीं बताऊँगी कितनी पेमेंट की है, लेकिन पे कर दिया है मैंने सर्विस टैक्स। मैं एक आदर्श भारतीय नागरिक हूँ, भले ही 3 दिन लेट किया है और उसकी पेनल्टी भी भरी है। और दोस्तों, जब हम पेमेंट कर देते हैं उसके बाद भी यहाँ से थोड़े बहुत काम होते हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ कि ये भी मैं आज आपको सिखाई देती हूँ। इतने में तो क्या सीखोगे आप, देखो कह रहा है कि लेट फीस, अब OTP आएगा। अरे भैया, OTP तो इतना ट्रिपिकल आता है कि मैं कहाँ बताऊँ, मैं आज दिखा के रहूँगी आपको। F6C OTP 8DF 8DF, तो इसको हम कर देंगे यहाँ से वेरीफाई। वाओ, फाइलिंग सक्सेसफुल। तो जी, ये बहुत जो ज़रूरी काम था वो मेरा आज की डेट में हो चुका है। और आप ये देख सकते हैं कि मेरी सारी महीनों की अभी तक की, मतलब सारी GST जो फाइल रिटर्न है वो सब कंप्लीटेड है। एक और चीज बता देती हूँ मैं आपको, जो ये इतना सारा है ये कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ ये जो है ये वाली फिल करनी पड़ती है हमको, GSTR 1 और GSTR 3 भी। तो GSTR 1 जो है दोस्तों वो भरनी पड़ती है 10 तारीख तक, यानी कि इस महीने की जनवरी 10 तारीख तक फाइल करनी होती है। और जो नीचे लिखा हुआ है मंथली रिटर्न GSTR 3 भी, इसको 20 तारीख तक फिल करना पड़ता है। और आज आप देख सकते हो 24 तारीख हो गई, अब ये 3-4 दिन की पेनल्टी लग जाएगी मेरे को, यानी इस महीने जो लेट फीस के चार्जेज हैं वो अगले मंथ जब मैं ये वाली GSTR 3 भी भरूंगी तो मुझे पे करने रहेंगे। तो ये इसका फंडा रहता है। सब ज्ञान के साथ दोस्तों, आज ये जो देखिए ड्रेस भी मैंने कम्प्लीट कर दी है और इस ब्लॉग को हम यहीं पर करते हैं समाप्त, क्योंकि 5:30 होने वाला है। मैं एक बार जाती हूँ घर, कुछ चाय बना करके लेके आती हूँ
और उसके बाद मेरे बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे कामों में मेरी आज जीएसटी वाला काम हो गया है। जो मेरा ड्रेस था इसकी कैप है बीबी वो मैं बना दूंगी, अभी चाय पीते पीते ये बनानी है। अब मेरी जो मेन नहीं मेरी नहीं अब जो मुख्य मेरे काम रह गए हैं वो है बुक रीडिंग, और जो भी मैंने शॉर्ट वीडियोस वगैरह बनाए हुए हैं उनको पोस्ट करना है, टैग वैग लगाना है, मतलब ये सब में 1 घंटा लगेगा। और आज पूरी कोशिश रहेगी कि अध्यात्म ज्ञान के लिए एक वीडियो मैं बनाऊं और कोरा पे थोड़ा सा काम करूं। और अब आपसे नए ब्लॉग में मिलूंगी। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज हम पहाड़ी परिंदे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।